लिबर्टी है, हर हर किस्म का काम जो है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हमें उसी चीज को, उसी ग्रुप को आगे ऐसे सबसे महान हो, कल्चर है, इवन देन हम जुमेट हैं, हम सबसे आगे हैं। तो इसीलिए इस चीज के लिए सब आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग सभी जहाँ इकट्ठे हुए इस पादों मौके से टाइम निकाल के हमें सेलिब्रेशन का मौका मिला है। उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा, बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। giving up through this beautiful performance. With this performance, the series of events has come to an end. I would like to express my heartfelt gratitude to all the participants, organizers and volunteers who have worked tirelessly to make this event a grand success. Your efforts are truly commendable and we thank you for this dedication. Now, I would like to ask our jury members and distribute this prize. So, respected chief guest, I would request him to hand over the prize to Akhar Public School. Anyone from Akhar? A big round of applause for the students. Thank you, Madhya. Thank you. Too much. Now I request Advocate Aleem Wani to come. आज हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भद्रवाह की प्रिंसिस के अंदर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया विद ग्रेट जील, जस्ट एंड एंथुसियाज्म, जिसमें ऑनरेबल जज
चीफ गेस्ट थे, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं, और ऑनरेबल सब जज साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा जितना भी कोर्ट का स्टाफ है, वो यहाँ पे क्लर्कल स्टाफ हो, बाकी स्टाफ हो, वो यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमारे जो वकला हजरात थे हमने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो अटकार पब्लिक स्कूल है और भारतीय विद्या मंदिर स्कूल है, उनके स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट की, जिसका मैसेज जो था वो देशभक्ति के रिलेटेड था। और साथ में हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे अटकार पब्लिक स्कूल और भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को, उनकी मैनेजमेंट को, उनके प्रिंसिपल्स को, और साथ में जो इस कोर्ट का स्टाफ है, पिछले दो दिनों से वो लगातार तैयारी कर रहे थे आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज ही के दिन बिगनिंग हुई थी एक न्यू एरा की, और अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और जिसके बाद हम आज़ाद हुए थे, जो ब्रिटिश राज था 200 साल का, उसके क्लचेस से हमें आज़ादी मिली थी, और उसके बाद हमने काफ़ी डेवलपमेंट की। और आज के दिन पर हम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जदोजहद की, जंग लड़ी और देश को आज़ाद किया, उनको हम होमेज और ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी, और फादर ऑफ नेशन गांधी जी को, और सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन वगैरह को भी, हम झांसी की रानी को भी हम होमेज और ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रहा है, तमाम स्टाफ मेंबर्स ने, हम मुगला ने, और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक बार फिर हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं।